केंद्र सरकार ने दूर संचार क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। बिहटा में केंद्रीय सरकार ने ईएसआईसी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आभार जताया। आजादी के अमृत महोत्सव पर राजकीय महारानी महेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में 15 शैया के ओपीडी का हुआ शुभारंभ। पटना की नई डिप्टी मेयर रजनी देवी चुनी गई हैं। रजनी देवी के पक्ष में 43 पार्षदों ने मतदान किया। प्रदेश के पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान से पूर्व ही 858 उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद आज से नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। इस चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव कराया जाएगा। बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 22 सितंबर तक किया जा सकता है नामांकन। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 7 नए मामलों की पुष्टि हुई है। रोहतास में सबसे अधिक 2 मामले सामने आए हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें 25 रुपए में राजधानी पटना के सभी पर्यटन स्थलों की सैर कराएगी। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान